सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है बीएचयू की तरफ से, जहां पर बीएचयू 15 तक बंद परीक्षाएं 30 जून के बाद। दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानेंगे तो वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों, वाराणसी से सीधे खबर जो है सामने निकल के आ रही है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीएचयू को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ 15 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। अब 30 जून से पूर्व जो है पहले कोई भी परीक्षा नहीं होगी। यह निर्णय चिकित्सा एवं अस्पतालकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, ये सिर्फ विद्यार्थियों और शिक्षकों पर लागू होगा। बुधवार को कार्यवाहक वाइस संचालक प्रोफेसर वीके शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय, शताब्दी सुपर ब्लॉक, ट्रामा सेंटर, जल एवं विद्युत आपूर्ति विभाग, सफाई एवं सहयोग सेवाएं, सुरक्षा, डेयरी, कृषि फार्म से जुड़े आधिकारिक कर्मचारियों का जो है कार्य मतलब पुरानी तरीके से जारी रहेगा। बीएचयू के आरक्षण अधिकारी प्रोफेसर आनंद चौधरी के अनुसार अति आवश्यक कार्यकाली कार्य के लिए विभागाध्यक्ष विभागों एवं केंद्रों के शिक्षकों और कर्मचारियों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है बुलाया जा सकता है। बैठक के निर्णय के अनुसार यदि कोई परिवार साथीवासी संक्रमित होता है तो उसे तत्काल इस सूचना को संपदा कार्यालय के फ़ोन नंबर 2369242 अथवा 2369131 पर सूचना देनी होगी। स्थिति सामान्य होने तक बाहरी व्यक्तियों का बीएचयू परिसर में प्रवेश निलंबित है, यानी प्रवेश नहीं होगा। दोस्तों, आपकी ऑनलाइन कक्षाएं 15 मई तक जो है वो पूरी स्थगित रहेंगी, यानी आपकी 15 मई के बाद ही जो है वो आपकी लागू होंगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ, अगर आपको बीएचयू से जुड़ी हर जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।